गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कैंटन सो गाइज यहाँ पर बन रहा है पास्ता मतलब बन गया है एक्चुअली बच्चों को देना था और जल्दी जल्दी देना था इसी वजह से शूट नहीं कर पाए। बस यहाँ पर पास्ता बना लिया है और बहुत बार आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर की है तो क्या वही वही, वही शेयर करना है इसी वजह से नहीं शेयर की तो चलिए अभी पास्ता दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए और उसके बाद आज जल्दी से वो काम करने के लिए भी आने वाला है टीन विन डालने के लिए भी आने वाला है और आपको आज बहुत अच्छा घर दिखने वाला है तो यहाँ पर तो उन्होंने टीन डाल भी दिया है आ, मतलब मैं अपने घर का काम कर रही थी सुबह का तब तक तो उन्होंने ये इतने टीन डाल भी दिया है ये मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पर प्राइवेसी हमारी थोड़ी सी वो हो रही थी तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर टीन लगवा लिए एक्चुअली इधर वाला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना उन्होंने क्या किया कि हमारे दरवाजे पे दरवाज़ा हमारे खिड़की पे खिड़की तो इसी वजह से हमें लगा कि अभी तो वो रहने के लिए नहीं आए हैं फिर भी वही काम चल रहा है तो अजीब सा लगता है खिड़की खोलने के लिए और जब वो रहने के लिए आएंगे तो कितना अजीब लगेगा तो इसी वजह से हम लोगों ने ये खुद ने ही खर्चा करा लिया और वो मतलब लगा दिए यहाँ पे थोड़ा सा वॉल ऊंची करने के लिए और वो प्राइवेसी रहने के लिए तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी हमें लगाना है क्योंकि उधर की साइड में फर्नीचर है मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ जो शू रैक है ना तो उसमें जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे पाइप लगे हुए हैं तो वहाँ से डायरेक्ट पानी उसमें फर्नीचर पे आता था और फर्नीचर फूलने का डर रहता है तो इसीलिए हमें ये अर्जेंट बेसिस पे करना पड़ा नहीं तो हम लोग नहीं करवाते अभी क्योंकि बंद कर दिया था काम मैंने सोचा रहने देते हैं क्योंकि इसका एकदम काम तो नहीं है इसीलिए रहने दिया था बट जब बारिश आई ना तब पता चला कि नहीं यार डायरेक्ट ये पानी तो सारा बारिश का इधर ही आ रहा है तो इसी वजह से ये करवाना पड़ा और फिर करवा ही रहता था तो यहाँ का ही क्यों सारी ही जगह का करवा लेते हैं जहाँ जहाँ पे पाइप लगाया है हम लोगों ने तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने करवा लिया क्योंकि दो दिन का ही काम है ये बोल रहे थे दो दिन का काम है तो इसी वजह से फिर करवा लिया एक दिन वो आए झरी भरी मार के चले गए और उसी दिन उन्होंने ये टीन विन ला रखे थे और ये जो है वो जो हमारी इस साइड की गैलरी है तो मतलब जो बड़ी गैलरी है उसके ऊपर है क्योंकि वो गैलरी यूज़ नहीं हो रही थी बारिश के पानी की वजह से या धूप भी बहुत लगती थी वहाँ पर तो इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर भी शेड डाल दिया मतलब ये गैलरी यूज़ होगी अच्छी खासी अभी तो इसी और यहाँ पर कर्टन्स आ गया है जो हम लोगों ने अब बनवाने के लिए डाले थे आप लोगों को बताया था ना मैंने कि बनवाने के लिए डाले हैं कर्टन्स आपको कैसे लगे कर्टन मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गए थे तो इसी वजह से मैंने ये कर्टन्स बनवा लिए थे ये मेरे रूम का है आप कलर से पता चल ही रहा होगा आपको और बाद में दिखाती हूँ आपको माही के रूम का माही के रूम का ब्लू एंड वाइट में है तो ये देखो माही के रूम का तो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो पसंद आया हर एक की चॉइस अलग अलग होती है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए आपको अच्छा भी नहीं लगा होना फिर भी बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी है और ये कर्टन्स है ना ये भी मैं चेंज करने का सोच रही हूँ बट वो कर्टन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो लिविंग रूम के हैं तो इसी वजह से अभी नहीं करवा रहा है चेंज बट कुछ दिनों के बाद अगर वो ख़राब होते हैं तो तो हम लोग ऐसे ही बनवा के ले लेंगे कर्टन्स यहाँ पर भी बट अभी वो मैच हो रहे हैं ना तो नहीं करवाएंगे तो अभी ये लगाने हैं माही के रूम में भी लगाने हैं मेरे रूम में भी लगाने हैं तो वो लगा लेंगे माही के रूम में जो बड़ी विंडो मतलब डोर जो है ना गैलरी का उसमें भी लगवाने हैं और ये भी जो एक छोटी विंडो है उसमें भी हम लोगों ने ब्लाइंड सोचा था पहले लगाने का बट ब्लाइंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था एक जगह पर ब्लाइंड लग रहा था एक जगह पर नहीं लग रहा था तो फिर हम लोगों ने कर्टन्स ही ले लिए तो ठीक है यार क्या कर सकते हैं ब्लाइंड का बहुत आ, मन था मेरा ब्लाइंड लगवाने का बट आ, होता है कभी कभी हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा सा लुक चेंज हो रहा था इसी वजह से उन लोगों ने बोला कि नहीं आप सारे इसमें कर्टन से ही लगा लो नहीं तो लुक ख़राब देखेगा एक अलग और एक अलग और बहुत लोग बोल रहे हैं सोफे का कवर चेंज करो बट डियर आप भी देखो सोफे का कवर अच्छा ही है इसी वजह से चेंज करने का मन नहीं कर रहा है बट इससे अच्छा मुझे मिल भी नहीं रहा है मैंने बहुत ढूंढा, अभी एक दो बार और जाएंगे, यही जो कर्टन्स है लेने के लिए जाना ही नहीं हुआ आज तो बाहर जाना ही नहीं हुआ मेरा मैं जाना चाहती थी इन्होंने बोला था कि रेडी हो जाओ जल्दी से और जाते हैं बट घर का भी काम और उसमें वो उन लोगों को भी देखना होता है अभी ये घर पे रहते हैं तो ठीक है यहाँ पर क्या ज़रूरत है क्या नहीं वो देख लेते हैं बट ये जब घर पे नहीं रहता है तो फिर मुझे देखना पड़ता है एक तो भी घर पर चाहिए तो इसी वजह से मैंने इनको बोला कि आप ही चले जाओ और आप ही लेके आओ फिर वो शीट भी लानी थी जो आ, आपको बता दूंगी मैं कि कहाँ पर लगवानी है हमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे थे जैसे एक माही की गैलरी है जहाँ पर हमें दूसरी शीट लगवानी थी ट्रांसपेरेंट वाली क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा पाइप के डिज़ाइन हम लोगों ने दी है और वहाँ पर भी हमें यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था जैसे कि हमें धूप में भी प्रॉब्लम हो रहा था यूज़ करने के लिए गैलरी और बारिश में भी प्रॉब्लम हो रहा था बारिश के टाइम पर गैलरी में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर भी शीट लगवा दी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर के बाद और यहाँ पर आ, देखो ये पूरा शेड रेडी हो गया है यहाँ का भी और बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है और मैंने ना कलर इसी वजह से ये चूज़ किया वाइट कलर कि जैसे कि अभी दूसरा कलर होता ना यहाँ पे जैसे ब्लू व्यू लो लगवा रहे हैं ब्लू कलर और बहुत से कलर लगवा रहे हैं बट मुझे वाइट कलर ही चाहिए था क्योंकि वाइट कलर गंदा तो होगा बट दिखने में इतना सुंदर लगता है वाइट कलर बाहर से कभी लुक दिखा दूँगी आपको कि बाहर से कैसा दिखता है अभी बनने के बाद ये टीन वीन लगने के बाद और यहाँ पर ये पाइप्स है ना तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बड़ा सा गत्ता रख दिया था क्योंकि ये फर्नीचर मतलब फर्नीचर को पानी लग रहा था इसी वजह से तो अभी ये गत्ता वगैरह सब कुछ निकाल देंगे अभी ये क्लीन कर सकते हैं हम लोग और मेज़ देखो आप यहाँ पे मेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर देखो ये टाइल्स मैंने आपको बताई थी ना कि यहाँ पर बिल्कुल भी टाइल का कलर नहीं दिख रहा है तो ये ऐसे ही हो गया है अभी ये जो क्या बोलते हैं मेरे जो पॉट है तो वो भी मुझे अच्छे से लगाने हैं यहाँ पर सेट करने हैं बहुत सारा काम है यार घर पर तो ये भी लग गया है उधर एक शेड डालना बाकी है ये जो पाइप लगे हुए है उधर भी एक शेड लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जैसे कपड़े सुखाने के लिए वगैरह स्टैंड वैंड रख सकते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर भी हम लोगों ने एक शेड लगवा लिया वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा आपको शायद नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं वो नहीं शूट किया मैंने वो बाकी था इसी वजह से शूट ही नहीं कर पाए तो ये यहाँ पर लगेगा एक शेड और उसके बाद यहाँ पर गैलरी क्लीन हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ इस गैलरी में मैंने ऊपर से दिखाया था ना आपको कि इस गैलरी में लग रहा है तो ये बड़ी वाली गैलरी है हमारी और जो यूज नहीं हो रही थी तो यहाँ पर ये शेड लग गया है और बाहर से इतना सुंदर लग रहा है ना मुझे लगा भी नहीं था मुझे लगा था कि ये भद्दा दिखेगा मतलब शो चला जाएगा इससे पूरा लुक चला जाएगा गैलरी का बट नहीं अच्छा लग रहा है गैलरी का लुक अच्छा आ रहा है बट अभी ये पाइप जो है ना आपको दिख रहा है ये ब्राउन मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं प्राइमर लगा के छोड़ दिए थे तो अभी इसे पेंट लगेगा ना वाइट मतलब ऑफ वाइट पेंट लगेगा ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये टीन भी ऑफ वाइट है उसके बाद पाइप को भी ऑफ वाइट कलर लगेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा वैसे भी हम लोगों ने जो बाहर का कलर है मतलब एक्सटीरियर का वो भी ऑफ वाइट ही लिया है मतलब उसमें एक दो कलर ऐड किए हैं और अंदर का भी कलर पूरा ऑफ वाइट लिया है एक एक कलर की वॉल सिर्फ टेक्चर वॉल की है तो ऐसे करके सभी ऑफ वाइट हो गया ना तो अच्छा लग रहा है अब तो यहाँ पर ये दिखा रहे थे मुझे कि इस तरह से ऊपर की मतलब अंदर की थोड़ी सी वाइट है और ऊपर की ऑफ वाइट है तो ये यहाँ पर शॉप में आ गए थे ये वाली शीट लेने ट्रांसपेरेंट वाली तो मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा शूट कर लेना आप लोगों के लिए मतलब मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से शीट होती है आप लोगों को अगर लगवाना है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ ये क्लिप शेयर कर देती हूँ तो ये यहाँ पर शॉप में आ गए थे और इस तरह से कलरफुल भी शीट मिलती है अलग अलग कलर्स की भी मिलती है जैसे कि ब्लू ग्रीन एक्वा ग्रीन बहुत सारे शेड होते हैं इस वाले शीट में तो तो मैंने इनको ट्रांसपेरेंट वाली शीट लाने के लिए बोली थी तो ट्रांसपेरेंट क्यू ये भी बता देती हूँ वहाँ पर पाइप है और उसका भी लुक आना चाहिए अगर हम लोग दूसरे कलर का लगवाते तो वो कलर थोड़ा सा अलग दिखता वहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस गैलरी में हम लोग लगवा रहे हैं और यहाँ पर भी पाइप की डिज़ाइन है हम लोगों के घर में थोड़ा सा पाइप की डिज़ाइन हम लोगों ने ज़्यादा रखी थी उस टाइम इसकी ही फैशन चल रही थी हम लोगों ने जब घर बनवाया और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पाइप के अंदर से पूरा बारिश और उसके बाद धूप भी डायरेक्ट आती थी तो इसी वजह से ये गैलरी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती थी शाम को यूज़ होती थी तो शाम को इतना ये नहीं बट दोपहर में अगर थोड़ा सा बैठना है या बारिश के टाइम पे अगर बैठना है तो यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे तो इसीलिए ये गैलरी यूज़ होने के लिए हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट शीट लगवा दी इसके अंदर तो वो भी आपको बाद में लुक दिखा दूँगी मैं कि कैसे कैसे पूरा बनाया है और ये ऊपर से दिखता है जो हम लोगों ने नीचे गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए ये जो शेड लगवाया है ना वो ऊपर से इस तरह से दिख रहा है तो कैसा लग रहा है घर आपको पूरा होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे सब कुछ हो गया है क्लीनिंग वगैरह हो गई है अब और मैं आ गई हूँ नहा धो के यहाँ पर पूजा करने काफ़ी देर से आप लोगों से बात ही नहीं करना हुआ आप लोगों की डायरेक्ट सामने ही नहीं आई तो अभी पूजा करने आए हूँ और शाम का टाइम यही होता है बस शाम के टाइम में नहा धो लेती हूँ और पूजा करती हूँ अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आजकल तो आपके यहाँ पे है गर्मी या हमारे ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इनको भी मैंने बोला कि आज इस साल बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मतलब अभी इस मौसम में भी क्योंकि बारिश नहीं हो रही ना इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे तो काफी दिनों से बारिश ही नहीं है मतलब बारिश आती है तो मजा आ जाता है ठीक है सब कुछ हो गया है शाम का और क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है वो लोग चले गए हैं सब कुछ अभी लग गया है बट थोड़ा सा क्लीन ज्यादा करना पड़ा क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा मतलब मेस गिरा था नीचे भी वहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने क्लीन कर लिया है सबने मिलकर क्लीन किया है मतलब इन्होंने और मैंने सबने मिलकर क्लीन किया है तो हो गया है और अभी मैंने कपड़े डाल दिया है मैंने नहा ही लिया है इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि आपको क्या ही बताओ मैंने नहा लिया और उसके बाद अभी कपड़े डाल दिया है धोने के लिए तो एक मिनट आवाज आ रही है कपड़ों की तो चले पानी दोबारा से डाल दिया है मैंने तो चलो कुछ ना कुछ बनाते हैं सुबह से कर कर काम और ये सब कुछ चल रहा था तो इसी वजह से बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हो और मैं भी अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ बस काम चल रहा है यहाँ पर बर्तन पड़े थे कुछ चाय के और बीच बीच में बच्चे खाते रहते कुछ ना कुछ तो उसके तो वो क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत बार चाय हो जाती है घर में कुछ काम चलता है तो हो ही जाती है ज़्यादा बार चाय बट मैं ना कप्स वो यूजन थ्रो वाली यूज़ करती हूँ इसी वजह से कप्स तो ज़्यादा नहीं निकलते हैं और बच्चों की ये प्लेट्स थे कुछ तो वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ यहाँ पर ये क्लीन हो जाए उसके बाद मैं आपको ऊपर की रूम दिखाती हूँ कि ऊपर की रूम कैसे लग रही है मतलब अभी ऊपर की रूम तो आपने देख ही ली है वैसे बट अभी कर्टन्स लगा के दिखाऊंगी मैं तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर की रूम में कर्टन्स लगाने और यहाँ पर ये एक ही विंडो बची है अभी मेरे रूम में तो इस एक ही रूम के हम लोगों ने ऑर्डर दे दिए थे कर्टन जो आए थे मैंने आपको दिखाए थे तो बस अभी इसे लगा लूँगी और जब लगाने के बाद आप लुक देखना यार इतना ज़बरदस्त लुक आ रहा है और माही के रूम में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो रॉड हमारे थे पहले के वो बड़े बड़े थे क्योंकि ऊपर थे अभी अंदर अंदर लगवाने हैं ना इसी वजह से थोड़ा सा रॉड काटने पड़ेंगे और उसके बाद लगाने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा नहीं तो फिर यही लगवा देंगे तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा इसीलिए मैंने सोचा चलो मेरे रूम के तो भी लगा लेती हूँ मैं कर्टन्स यहाँ पे तो इसीलिए ये लगा रही हूँ जब लग जाएगा ना पूरे कर्टन्स तब आप देखना इतना बढ़िया लुक आएगा मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कर्टन्स मैंने ही सिलेक्ट किए थे इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है बट आपको कैसे लगेगा या पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा भी लगा तो भी बताना अच्छा नहीं लगा तो भी बताना तो यहाँ पर ये कर्टन्स लग गए हैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ कर्टन्स कैसे दिख रहे हैं बस यहाँ पर पापड़ फ्राई कर लूँगी डिनर करना है और एक्चुअली आज बनी है एक करी क्योंकि जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना कि क्या बनाऊँ तो एक करी ही बन जाती है हमारे घर पे क्योंकि एक करी इनको भी पसंद है बच्चों को भी पसंद है मुझे भी पसंद है और वैसे ज़्यादातर हमारे घर पे ना वो सूखी वाली जैसे कि हम लोग बुर्जी नहीं बनाते हैं ज़्यादा बहुत कम बनाते हैं बुर्जी तो इसी वजह से एक करी ही बना लेते हैं इनको ज़्यादा रस्से वाली चीज़ें पसंद है मतलब सब्जियाँ रस्से वाली पसंद है तो इसी वजह से एक करी बन जाती है तो यहाँ पर बस पापड़ फ्राई कर लूँगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना कम ऑयल क्यों डाला है तो इसमें से इसमें सॉरी ऑयल बचा था इसी वजह से उसमें पापड़ फ्राई कर रही हूँ नहीं तो आपको तो पता ही है मैं भून लेती हूँ जब भी ऐसे ऑयल बच जाता है तभी मेरे पापड़ फ्राई होते हैं वरना नहीं मैं हमेशा पापड़ खाने के साथ भून ही लेती हूँ और आप लोगों को ये भी पता है कि हमें पापड़ कितने ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और पिछली बार बताया भी था मैंने कि मैं मायके से पापड़ लाती हूँ बहुत लोगों ने पूछा है कि आप पापड़ कहाँ से लेते हो या कौन सी कंपनी के लेते हो पहले लिज्जत के लिया करती थी बट लिज्जत के फिर जब से मैंने मायके से लाना स्टार्ट कर दिया ना ये सिंधी पापड़ तब से हम लोग अभी लिज्जत के पापड़ लेना हम लोगों ने बंद कर दिया तो हम लोग अभी सिंधी पापड़ ही खाते हैं मेरे मायके में भी वही खाते हैं बहुत बार मैंने एक बार इससे पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ क्योंकि जब भी मैं आपको पापड़ दिखाती हूँ तो पापड़ के लिए बहुत लोग पूछते हैं तो चले गए सब कुछ हो गया है डिनर वगैरह हो गया है और यहाँ का मैं उठाया था मतलब आधा उठाया था आधा नहीं उठाना हुआ मेरा आज भी आज भी उसी काम के चक्कर में हम लोग रहे थे तो पूरा आज भी उठाना नहीं हुआ तो मैं सोचू इसमें अभी देखो ये तो क्लीन हो गया है बट यहाँ का मैं उठाना है कल आधा उठाऊंगी अभी चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक और आ, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिए फिर बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना